इसमें ना रहीम आस्मिन आई एम फ्रॉम एमके के एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइलम एनीलीडा फाइलम एनीलिडा में जो मेंबर्स हैं उनको हम रिंग वर्म्स कहते हैं जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि इनकी बॉडी में जो है वो सेगमेंट्स हैं बॉडी सेगमेंटेड है और इनको हम रिंग वर्म्स कहते हैं ठीक है ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पी पी एस सी खैबर पखतनख्वास सी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफ पी एस सी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एस पी एस सी एंड बलुचितान पब्लिक सर्विस कमीशन बी पी एस सी एज वेल एज स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल uh, में एडमिशन के लिए एग्जाम देना चाहते हैं एम डी कैट का नर्म्स का आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस का ठीक है तो इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटर करने के बाद अगर मेडिकल और मेडिकल से रिलेटेड किसी भी फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं देन दे हैव टू प्रिपेयर द ऑल द फाइलम्स और उसमें जो फाइलम एने है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है और इसमें जो है वो डिफरेंट बुक से मटेरियल लिया गया है और उसको कंसाइज किया गया है हर पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो इसमें ऐड किया गया है ठीक है अगर आप इस वीडियो को देख लें तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑल द द स्टूडेंट्स एज एज वेल कैंडिडेट्स गोइंग टू अप्लाई फॉर द एग्जाम्स टू गेट अ जॉब ओके जो पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इट इंक्लूड्स द जनरल दिनल्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिडा पहले तो हम इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे ठीक है Then, हम देखेंगे इनकी क्लासिफिकेशन एनी लीडर को फर्दर किस किस क्लास और सब क्लास में डिवाइड किया गया है एंड आफ्टर दैट हम हर क्लास में उनके फॉर्म एंड फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे ठीक है इस आ, इस पूरी वीडियो में जो भी मटेरियल लिया गया है वो डिफरेंट सोर्स बुक से लिया गया है लाइक एफ एस सी बायोलॉजी एंड फेडरल बायोलॉजी एज वेल एज सोलॉजी मिलर एंड हार्डले

उसमें हमारे पास क्लास पॉलिट है एंड क्लास सिलिटिलेटा देन इसकी फर्दर दो सब क्लासेस हैं क्लासेसोट एंड सब क्लास देन लास्ट पे हम स्टडी करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और फिर पीपीएससी पी जोलॉजी पास पेपर क्वेश्चन जो हैं 2001 से 2022 तक अब तक फाइल एनी रीडा में से इन सब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दे द एंड ऑफ दिस टॉपिक फॉर यू ओके तो so, चले हम अपना जो टॉपिक है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं mm -hmm. सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फायरम एनिलिडा so, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूड्स द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक okay? कैरेक्टरिस्टिकलूड दस्ट कैरेक्टरिस्टिकलमोस्ट फिफ्टीन थाउजेंड स्पीशीज ऑफ द एनिलिट्स ओके फिफ्टीन थाउजेंड स्पीशीज है एनिलिट्स की और इनकी जो बॉडी है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड है ठीक है डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और ये वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं देन पेयर्ड एपिडर्मल सिटी ये इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं और एपिडर्मिस से इनका ओरिजिन होता है ठीक है और एक सेगमेंट में जो है वो दोनों साइड्स पे साइड साइड्स पे सिटी uh, दो सिटी प्रेजेंट है इसलिए इनको पेयर्ड एपिडर्मल सिटी कहा गया है ठीक है आफ्टर दैट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो एनिलेट्स के बारे में आपने जहन में रखना है याद रखना है कि एनिरेट्स में वेरी फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्जर्व किया गया था ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनिलेट्स के लिए नाउ एक्सक्रीशन टिपिकली बाय बायोफीडिया इनमें जो एक्सक्रीशन है वो नेफिडिया के जरिए होती है uh, बेबी प्रोटोनिफीडिया और माइबी मेटानेफीडिया देन इनके नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम विद आ डबल वेंट्रल नर्व कोड एंड डोर्सल सुप्राफेरेंजियल गेंगलिया जो कि ब्रेन के तौर पे वर्क कर रहा होता है ठीक है

तो वट द सेगमेंटल ऑफ द बॉडी इन एन एनिमल ठीक है यानी हमारे पास जो बॉडी है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड हुई हुई है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामेरिज्म देन द मेटामेरिज्मेटाइजेशन अब टेगमेटाइजेशन क्या है टेगमेटाइजेशन इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ द बॉडी रीजन फॉर द फंक्शन लाइक फीडिंग लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन यानी मेटामेरिज्म तो सिंपल था कि बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है ठीक है उसका जो डिवीजन प्रोसेस है वो मेटामेरिज्म है टैगमेंटाइजेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें हम हर बॉडी सेगमेंट की जो है वो स्पेशलिटी को डिस्कस करते हैं यानी उसमें कौन-कौन से जो फंक्शंस हैं फीडिंग है लोकोमोशन है रिप्रोडक्शन है, है इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस करते हैं सो इट इज टैगमेंटाइजेशन नाउ इच सेगमेंट हैज इट्स ओन एक्सक्रीटरी मस्कुलर नर्वस और सर्कुलेट्री स्ट्रक्चर्स यानी हर जो सेगमेंट होता है एनिलिट्स की बॉडी का उसका अपना जो है वो एक्सक्रीटरी मस्कुलर नर्वस और सर्कुलेट्री सिस्टम है ठीक है और मेटामेरिज्म कन्फर्स डिफरेंट एडवांटेजेस टू द एनिमल पहला एडवांटेज क्या है मेटामेरिज्म का कि इसमें कंपार्टमेंट्स हैं ठीक है और कंपार्टमेंट्स में जो है वो फ्लूड uh, प्रेजेंट होता है जो हाइड्रोस्टेटिक्स कैलटन के तौर पर वर्क कर रहा है और उनको मूवमेंट में हेल्प करता है नंबर टू लेसनिंग द इंपैक्ट ऑफ इंजरी एंड मेक्स टेगमेटाइजेशन पॉसिबल यानी अगर किसी uh, जो है वो एनिलेट वो, की इंजरी हो जाती है उसकी बॉडी के कुछ सेगमेंट्स लॉस हो जाते हैं ठीक है स्टिल उसके पास अभी बॉडी के सेगमेंट्स हैं और हर सेगमेंट की जो है वो टेगमेटाइजेशन हुई हुई है यानी स्पेशलाइजेशन है तो कुछ सेगमेंट्स के मिसिंग होने का इनकी बॉडी पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता ठीक है Class, uh, की जो फर्दर सब क्लासेज है उनको सो इट इंक्ल्यूड सब क्लास ऑलिगो चीट एंड दब क्लास हिरो हमारे पास दो सब क्लासेज हैंटा की ओके okay? अब हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं हर एक क्लास की तो द फर्स्ट वन इज क्लास पॉलीचीट ओके इसमें एक्सैंपल्स है सो दीज ओके एरेनिकोला एंडेला सो दीज आर द्री रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ द क्लास पोलीचीट द नेरीज एरनिकोला एंड सेबेला इनकी बॉडी में जो फिजिकल डिफरेंस है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ओके okay? तो so, इस फिजिकल डिफरेंस को आप ऑब्जर्व डायग्राम से कर सकते हैं नाउ वी आर मूविंग द जेंडर ऑफ क्लास पॉलीचीट ठीक है तो क्लास पॉलीचीट की अब हमने जेंडरिस्टिक स्टडी करनी है सो द फर्स्ट वन इज फाइव थ्री हंड्रेड स्पीशीज फिफ्टी थ्री हंड्रेड स्पीशीज है हमारे पास क्लास पॉलीचीट की ठीक है अकॉर्डिंग टू द मिलर एंड हार्ले टेंथ एंड फिफ्थ एडिशन और ये मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं बुराइंग सैंड और मट यानी ये जो मट्टी है या जो रेत है उसमें दबे हुए होते हैं ठीक है देन दे आर हैविंग द डिस्टिंग टेंटिकल इनके पास एक प्रोमिनेंट हेड होता है जिसके ऊपर आईज और टेंटिकल्स प्रेजेंट है इनके सेंसरी स्ट्रक्चर है ठीक है आफ्टर दैट ईच बॉडी सेगमेंट बियर्स अ प्यर ऑफ द फ्लेट एंड फ्लेश लोब्स जिनको हम पैरापोडिया कहते हैं और ये पैरापोडिया इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं

एंड ट्रोको फॉर लार्वल स्टेजेस एक्सिस्ट इनमें लार्वा बनता है और उस लार्वा को कहा जाता है ट्रोको फॉर लार्वा दे ये थे हमारे पास जेंरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास पोलीचीट अब हम जो है वो इनकी वन बाय डिटेल में करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम एक्सटर्नली देखते हैं इनकी बॉडी में कैसे स्ट्रक्चर होते हैं एक्सटर्नली जो है वो इनमें लेटरल एक्सटेंशन है बॉडी में लेटरल, लेटरल साइड पे हर सेगमेंट की लेटरल साइड पे एक एक्सटेंशन है जिनको हम पैरापोडिया कहते हैं एज यू कैन सी ये ये हमारे पास पैरापोडिया है ठीक है और कुछ पेरापोडिया जो हैं दे आर सपोर्टेड बाय द कार्टिनियस रॉड्स कार्टिन की बनी हुई रॉड्स होती हैं विच आर नोन एज द सिटी ओके कार्टिन की बनी हुई छोटी छोटी रॉड्स हैं जिनको हम सिटी कहते हैं देन uh, जो प्रोस्टोमियम है इट इज अ लॉब दैट प्रोजेक्ट्स स्टोर्सली एंड एंटीरियरली टू द माउथ तो प्रोस्टोमियम जो है ये एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है ये डॉर्सली और एंटीरियरली टुवर्ड्स द माउथ जो है वो इसकी प्रोजेक्शन है इसकी डायरेक्शन है प्रोस्टोमियम में कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं लाइक द आइज एंटीना पाल्प्स नुकल ऑर्गन्स ठीक है तो ये हमारे पास सभी स्ट्रक्चर्स ये प्रोस्टोमियम है इसके ऊपर आइज हमें शो की गई हैं ठीक है टेंटिकल्स या सिराई तो ये सब जो है वो इनके पैल्प्स ये सब इनके जो है वो सेंसरी स्ट्रक्चर हैं जो प्रोस्टोमियम के ऊपर प्रेजेंट है ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पॉइंट है देन जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है उसको हम पेरिस्टोमियम कहते हैं प्रोस्टोमियम के पीछे जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है वो पेरिस्टोमियम है और ये माउथ को सराउंड करता है ठीक है और इसमें भी कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स uh, और डेंटिकल्स uh, और वगैरह प्रेजेंट होते हैं नाउ द लोकोमोशन लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो इनमें जो है वो लॉन्गिटूडल मसल्स हैं ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी बॉडी एक साइड के जो लॉन्गिटागोनिस्टिकली दूसरी साइड के जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं उनके वर्क करते हैं ठीक है और फिर इनमें जो है वो uh, जो ऑपोजिट साइड के पैरापोडिया हैं दे कम आउट ऑफ द बॉडी और इनमें लोकोमोशन का फिनमिना कंप्लीट होगा दैन फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें अगर हम तो uh, कुछ प्रीडेटर्स हैं कुछ हैं कुछ हैं एंड सम आर डिपॉजिट फीडर्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक स्ट्रेट ट्यूब है इनमें और उसके जो पार्ट्स हैं इट इंक्लूड्स ठीक है एंड व्हेन एवर्टेड फ्रॉम फॉर्म्स द प्रोबोसिस तो फेरिंग्स है ठीक है फेरिंग्स जो है जब ये बाहर की तरफ एक्सटेंड आउट होगा तो ये प्रोबोसिस बनाएगा नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास स्टोरेज सैक uh, है जिसको कहा जाता है क्रॉप आफ्टर दैट स्टोरेज सैक है क्रॉप और उसके बाद है ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं गिजर्ड एंड देन गिजर्ड इज लीडिंग टू वर्ड दी सीडेंट्री और ट्यूब डिवेलिंग पॉलीचीट हैं उनको हम फिल्टर फीडर्स कहते हैं और एक फिल्टर फीडर और ट्यूब डिवेलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है हमारे पास फैन वाम इनमें रेडियो हैं ठीक है बॉडी तो के स्ट्रक्चर्स हैं और ये रेडियो जो हैं ये फनल शेप्ड फैन बनाने में इन्वॉल्व हैं एंड रेडियोस के ऊपर कुछ सीलिया भी हैं जिनकी वजह से जिनकी बीटिंग की वजह से वॉटर करंट जेनरेट होंगे और फिर जो है वो फूड के पार्टिकल इनके माउथ की तरफ ट्रैप होंगे आफ्टर दैट एंड अदर फिल्टर फीडर इज दट ऑफ टेरेस टेरिस है इट लिव इन शेब्ड ट्यूब एंड सीक्रेट अस बैग दैट फूड पार्टिकल्स कंटेन तो इसमें जो हमारे पास पैरापोडिया ऑफ फोर्टीन टू सिक्सटीन सेगमेंट है दे आर मोडिफाइड इन टू फैंस तो ये हमारे पास यू शेप्ड ट्यूब है ठीक है इस ट्यूब के अंदर टेरस ऑर्गेनिज्म रह रहा है और uh, ये जो ट्यूब है ये सिक्रियट करती है न्यूकस और इनमें टू सेगमेंट्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू फैंस इन फैंस की वजह से ही फिल्ट्रेशन फिल्टरेशन वगैरह का जो है वो प्रोसेस होगा फॉर ट्रैपिंग द फूड पार्टिकल्स सो द नेक्स्ट सिस्टम इज गैस एक्सचेंज एंड द सर्कुलेशन तो गैस एक्सचेंज को हम देखें तो जो हमारे पास पोलीचिट्स हैं उनकी जनरल बॉडी सर्फिस से गैस एक्सचेंज होती है डिफ्यूजन के जरिए एंड पैरापोडिया जो है दे फर्दर द सर्फेस एरिया फॉर द गैस एक्सचेंज आफ्टर दैट इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और ऑक्सीजन जो है इट इज कैरिड विद कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्परेटरी पिगमेंट्स ठीक है तो इनमें पिगमेंट्स भी हैं एंड ब्लड जो है ब्लड कलर डिपेंड करता है कि किस टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होगा डोर्सल जो है ये प्रोपेल करता है ब्लड को फ्रॉम रियर टू फ्रंट यानी बैक साइड से पोस्टीरियर uh, साइड से एंटीरियर साइड की तरफ जो है वो डोर्सल एटा ब्लड को पंप करेगा और इसके ऑपोजिट जो वेंट्रल एओटा है वो हमारे पास एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में जो है वो ब्लड को पंप करता है ठीक है और फिर पूरी बॉडी में जो है वो सेगमेंटल वेसल्स प्रेजेंट होती है जो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी हर सेगमेंट में तो जियलिया है. है, है? है ये सब फेरेंजियल फेरेंजियल गेंग्लियोन से कनेक्टेड है थ्रू द सर्कम फेरेंजियल कनेक्टिव इट इज कनेक्टेड टू द सब फेरेंजियल गैंगलियन बाय द सर्कम फेरेंजियल कनेक्टिव फिर पूरी बॉडी में इनके जो है वो डबल वेंट्रल यानी डबल होगी और बॉडी की वेंट्रल साइड पे होगी नर्व कॉर्ड्स ये रन करती है लेंथवाइज ठीक है और विद अ पेयर्ड सेगमेंटल गेंगलियोन इन ईच सेगमेंट अब ये देख सकते हैं ये आ, हमारे पास डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो लेंथवाइज बॉडी में रन कर रही है और इसमें जो है वो हर सेगमेंट में पेयर्ड हमारे पास सेगमेंटल गेंगलिया है और उन सेगमेंटल uh, गेंगलिया की साइड से लेटरल साइड से कुछ लेटर नर्व हो रही है सो लेटरल नर्व एमर्ज फ्रॉम ईच सेगमेंटल गेंगलियोन एंड दे विल सप्लाई द बॉडी वॉल मस्कुलेचर ठीक है ये जो है वो बॉडी वॉल मस्कुलेचर को ट्रिगर करने के लिए है नाउ प्रोस्टोमियम uh, के ऊपर इनमें जो है वो टू टू फोर पेयर ऑफ आइस प्रेजेंट है ठीक है इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं फिर इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको नुकल ऑर्गन्स कहा जाता है आर इन फॉर्म ऑफ पिट्स ये गड़ों की फॉर्म में होते हैं और इन गड़ों के अंदर इन पिट्स के अंदर प्रेजेंट uh, है ठीक है और इनका जो फंक्शन है वो कीमो रिसेप्शन करना है फॉर द फूड डिटेक्शन फूड को डिटेक्ट करने के लिए जो नुक्कल ऑर्गन्स हैं इनमें जो है वो कीमो रिसेप्शन का फिनमिना होता है सिलिएटेड सेंसिटिव पिट्स हैं ये ठीक है एंड देन स्टेटोस आर इन देड रीजन

और ये जनरल बॉडी सरफेस से भी डिफ्यूज आउट हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए देन इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं दे आर नेफ्रीडिया एंड दीस नेफ्रीडिया आर ऑफ टू टाइप्स प्रोटोनेफ्रीडिया एंड द मेटोनेफ्रीडिया पहले हम बात करेंगे प्रोटोनेफ्रीडिया की तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब्यूल विद अ क्लोज्ड बल्ब एट द इनर एंड प्रोटोनेफ्रीडिया में जो है वो सिर्फ एक बॉडी की ना एक्सटर्नल साइड पे ही ओपनिंग होती है और इंटरनल साइड पे कोई ओपनिंग नहीं होती इंटरनल साइड पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लेम सेल कहते हैं ठीक है एंड अदर एंड ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी सो सम प्रिमिटिव पॉलीचीट्स प्रोसेस द पेयर्ड सेगमेंटली अरेंज्ड प्रोटोनेफ्रीडिया तो मतलब पर सेगमेंट इनमें पेयर्ड प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं देन अ मेटानेफ्रीडिया मेटानेफ्रीडिया में जो है वो एक ओपन सिलियेटेड फनल है यानी जो इंटरनल साइड पे बॉडी की ओपनिंग है उसको कहा जाता है और जो बॉडी के बाहर की ओपनिंग है उसको हम पोर कहते हैं एंड इज वन पेयर ऑफ पर सेगमेंट जिनमें मेटानेफेडिया है उनमें एक सेगमेंट में एक पेयर प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सेगमेंट का जो है वो क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है इसमें ये हमारे पास जो है वो पेयर्ड मेटानेफेडिया प्रेजेंट है एक सेगमेंट में तो ये इंटरनल सिलोम में इंटरनल ओपनिंग है जिसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं और बॉडी से बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसको पोर कहा जाता है ओके नाउ नाउर मूविंग टूवर्ड्स द रीजनरेशन रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट सो सोलिचीट्स में हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है दे कैन रिजनरेट दे पार्ट्स और सेगमेंट्स एंड दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बर्डिंग और फिशन, यानी बॉडी जो है वो उसमें बर्ड्स के जरिए भी नए ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं और अगर बॉडी की जो है वो बॉडी ब्रेक डाउन हो जाती है एक दो पीसीज में ठीक है तो वो पीसीज दोबारा रीजनरेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है ज्यादा इनमें डाइशियस हैं ये मेल और फीमेल अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं और सेपरेट गोनोडक्ट्स भी हैं इनमें ठीक है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है मोस्टली और कुछ स्पीशीज में कॉपुलेशन बी होती है मीटिंग भी होती है और डेवलपमेंट में जो लार्वा बनता है उसको हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं नेक्स्ट फिनोमिना एपिटोकी फिनोमिना भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है uh, इसमें से जो मेटामेरिज्म और टेगमेटाइजेशन वाला पॉइंट है एज वेल एज एपिटोकी वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम्स

अब एक जो एपिटोक है हैज अ बॉडी दैट इज मॉडिफाइड इनटू टू रीजंस एपिटोक के बारे में हम बताएंगे कि बॉडी दो रीजंस में डिवाइड की हुई है पहला जो रीजन है वो एंटीरियर सेगमेंट है इट कैरी ऑन नॉर्मल मेंटेनेंस फंक्शंस ठीक है एंड आफ्टर दैट इज द पोस्टीरियर सेगमेंट इसके बाद पोस्टीरियर सेगमेंट है ये एनलार्ज है एंड फिल्ड विद द गेमीट्स ठीक है तो एंटीरियर सेगमेंट है वो सारे बॉडी के अदर फंक्शंस परफॉर्म करेगा और जो पोस्टीरियर सेगमेंट है वो एनलार्ज है उसमें गैमीट्स अप होते हैं तो स्वार्मिंग ऑफ द एपिटॉक्स द थ्री थिंग्स इसमें सेफ्टी ऑफ नॉन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आ जाता है एनहेंसमेंट ऑफ चांस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है एंड स्वार्मिंग फॉर द ब्रीफ पीरियड लिमिट्स द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर्स ठीक है तो so, ये सब जो है वो बेनिफिट्स हैं एपिटॉकी के जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल्स होंगे वो प्रीडेटर्स से बच सके इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के चांस ज्यादा हो सके और प्रीडेटर्स की पॉपुलेशन कम से कम हो सके। सिलिटिलेटा <coughs> okay? so, के जो हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं द बॉडी ग्लैंडुलर रीजन ऑफ द बॉडी व्हिच इज यूज फॉर्मेशन ठीक है तो इसलिए टेलम जो है ये बॉडी का थिकन रीजन होता है इसको हम देखेंगे भी फर्दर डायग्राम्स में सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी सिलीटेलटम में सीटी जो है वो एब्सेंट है या फ्यू बहुत कम तादाद में है और ये मोनोएशियस हैं और इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है ठीक है आफ्टर दैट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टू सब क्लासेस ऑफ द सिलीटेलटम द फर्स्ट वन इज द सब इसमें हमारे पास एक्सैम्पल्स हैं जो है ये यूजली आपको वॉशरूम टॉयलेट्स वगैरह में नजर आते हैं ठीक है इलांगेटेड वॉर्म्स है ये और लम्ब्रिकस जो है ये सॉइल में प्रेजेंट होता है सो नाउ आई मूविंग टूवर्ड्सिस्टिक्स ऑफ दीट सब क्लास ओलिगो चीट जिसमें अर्थवर्म है इसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सबसे पहले देय आर ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड स्पीशीज ऑफ द टेरिस्ट्रियल एंड द फ्रेश फ्रेशर अर्थवर्म्स और उसके बाद इनमें कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता इनके जो सर है वो नुमाया नहीं है ठीक है फ्यू सिटी इनमें प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए यूनाइटेड हैं ओके बिकॉज दे आर एक्स डिवेलप कोकोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द सिलिटेलम Okay. एक्स जो है वो एक स्ट्रक्चर को कौन के अंदर डिवेलप होते हैं नाउ वो मूविंग टूवर्ड्स ऑफ सो फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो इनमें प्रोस्टोमियम है ठीक है अगेन प्रोस्टोमियम जो है वो एक स्मॉल इसमें लोब आता है लैकिंग अपेंडेजिज इनमें कोई सेंसरी अपेंडेजिज नहीं होते इनके प्रोस्टोमियम में और पॉलीचीट के प्रोस्टोमियम में ये डिफरेंस है कि इनमें अपेंडिजिज नहीं है ठीक है तो ये जो है वो हमारे पास प्रोस्टोमियम है -like यानी जो anterior half portion है हमारे पास यहां तक इसकी body half है, तो जो एंटीरियर हाफ पोर्शन है उसमें जो है वो एक कुछ सेगमेंट्स जो है वो इकट्ठे होके एक स्वेलन पोर्शन बनाते हैं गर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम सिलिटेलम कहते हैं ठीक है इसी वजह से इस क्लास को मेजर सिलिटेलेटा का नाम दिया गया है क्योंकि सिलिटेलम दोनों में एग्जिस्ट करता है इसके बाद जो हम सेकेंड सब क्लास पढ़ेंगे उसमें भी और इसमें भी सिलेटेलम सिक्रीट सम म्यूकस ड्यूरिंग कपुलेशन जब इनकी कपुलेशन होती है ठीक है इनके मेंबर्स की मेटिंग होती है फर्टिलाइजेशन के लिए तो उस दौरान जो है ये जो सिलिटेलम है ये म्यूकस सिक्रिएट करता है जो एग्स हैं ताकि वो एग्स उस म्यूकस के अंदर पैक हो जाएं और फिर एक स्ट्रक्चर बने जिसको हम कोकून कहते हैं नाउ द लोकोमोशन अगर हम लोकोमोशन को देखें तो अगेन वही चीज है इसमें एंटागोरिजम ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिटूडनल मसल्स। इनकी बॉडी में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं ठीक है और सेगमेंट्स बल्स एंड सिटी प्रोट्रूड व्हेन लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम देख सकते हैं यहाँ पे सेगमेंट्स छोटे हो जाएंगे ठीक है और सिटी जो है वो बाहर निकल आते हैं ये छोटे छोटे रोड्स हैं ये सिटी है फिर यहाँ से ये इसको इस पोर्शन को जमीन के साथ फिक्स करते हैं अटैच करते हैं ठीक है और इससे पीछे वाले जो कुछ सेगमेंट्स हैं उनके सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम और सिटी इनके जो वो है वो विद ड्रॉन है यानी बाहर नहीं निकले हुए ये बॉडी के अंदर ही है स्टिल और उसके बाद हमारे पास है जी इन फ्रंट ऑफ द ईच रीजन ऑफ द लॉन्गिट्यूड मसल कॉन्ट्रेक्शन सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट सो वी हैव जस्ट डन विद दैट इट कॉजेज सिटी टू रिट्रैक्ट एंड द सेगमेंट्स टू इलोंगेट सो so, ये सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन के बारे में बताया जा रहा है अगेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इन सेगमेंट्स बिहाइंड रीजन दो सेगमेंट फॉरवर्ड सो ना वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिटेल्ड लोकोमोशन इनकी बॉडी में जो है वो आल्टरनेट वेव्स डिवेलप होती है कुछ पार्ट्स uh, जो है उनमें सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करें तो बिहाइंड लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड आफ्टर बिहान दैट अगेन uh, से सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन बिहाइंड अगेन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्रोसेस चलता रहता है इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने जो जहन में रखनी है वो ये कि जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सो बॉडी इज गोइंग टू बी शॉर्टर एंड दिटी आर गोइंग टू बी ट्रूड आउट दिक्कस द बॉडी विद द सॉयल ओकेटिंग एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम सो ओलिगो जो है ये स्केवेंजर्स है और डिके वेजिटेशन पे जो है वो फीड करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकी स्ट्रेट है इनमें इसी तरीके से माउथ है दैट इज लीडिंग टू टू द द एसोफेगस ओके और फिर एसोफेगस जो है वो ही एक्सपेंड होकर स्टमक बना रहा है या क्रॉप या गिजर्ड सो so, इनमें माउथ है माउथ इज लीडिंग टू द फेरिंगस एंड देन फेयरिंग्स इज लीडिंग टू द एसोफेगस और एसोफेगस ही जो है वो एक्सपेंड होके बना रहा है यहाँ पे क्रॉप ठीक है और फिर इसी से ही गिजर्ट बनेगा तो ये so, ये पूरी जो ग्रीन वाली है है. इनकी की हुई है. इसकी थोड़ी सी एक मॉडिफिकेशन है कि जो एसोफेगस की वॉल होती है वो अंदर की तरफ जो है वो इवेजिनेट होती है और उससे एक ग्लैंड बनता है जिसको हम कैलसीफेरस ग्लैंड कहते हैं सो so, एसोफेजियल वॉल की इवेजिनेशन से कैलसीफेरस ग्लैंड बनते हैं ठीक है अब इनका फंक्शन क्या है ये से जितना भी है उसको स्टोर करते हैं और फिर से बाहर उसको रिलीज करेंगे सो इस तरीके से बॉडी फ्लूड की जो पीएच है उसको मेंटेन करना इनका काम है इंटेस्टाइन इज अ प्रिंसिपल साइट ऑफ डाइजेशन एंड री ठीक है एंड इंटेस्टाइन हेल्थ आर डोर्सल फोल्ड इस फोल्ड को हम कहते हैं टाइपलो यहाँ पे जो है उसको शो नहीं किया हुआ नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे मॉडिफिकेशन तो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन तो उससे बनता है कैल्स ग्लैंड जो एक्सेस कैल्शियम को बॉडी से बाहर रिलीज करेगा एंड थिंग इज इंटेस्टाइन इसकी मॉडिफिकेशन से इसके अंदर स्ट्रक्चर बनता है जिसको टाइफलोसोल कहा जाता है इसका सिंपल काम यह है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करना ताकि जो इंटेस्टाइन है वो एबजॉर्बेशन कर सके मैक्सिमम चीजों की लाइक ह्यूम जैसे ह्यूमस में विलाई होते हैं इंटेस्टाइन में तो यहाँ पे विलाई की जगह पे जो है वो टाइफलोसोल एग्जिस्ट करता है नाउ द गैस एक्सचेंज एंड सर्कुलेशन इसको हम देखें तो बॉडी uh, की जो वॉल है उसके अक्रॉस सिंपली गैसे डिफ्यूज आउट होती रहती है सिस्टम है इनमें भी डोर्सल वेसल और वेंट वेसल एग्जिस्ट करती हैं जो डॉर्सल वेसल है वो बॉडी की पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में ब्लड को पास करेगी यहाँ पे हमारे पास की डॉर्सल ब्लड वेसल है जो बॉडी की पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में ब्लड को जो है वो पास ऑन करेगी और जो जो वेंट्रल वेसल है ये एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में ब्लड को हाँ, ये हमारे पास माउथ है ठीक है तो जो डॉर्सल ब्लड वैसल है वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड वेंट्रल ब्लड वेसल जो है वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में इसको ब्लड को पास ऑन करती है एंड देन इनमें सेगमेंटल वेसल्स हैं हर सेगमेंट के अंदर अगेन वेसल्स होती हैं इंटरकनेक्ट कर रही हैं जो कि डॉर्सल और वेंट्रल वेसल्स से ठीक है और फिर यही जो है वो सराउंड कर लेती हैं एसोफेगस को और ब्लड को जो है वो ट्रांसफर करती हैं पूरी बॉडी में नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दस नर्वस एंड द देंसटिव फंक्शन अगर हम नर्वस और सेंसरी फंक्शन को देखें तो इनमें जो है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स हैं और गेंगलिया है ठीक है तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है यहाँ पे और फिर इनमें गेंगलिया प्रेजेंट होते हैं सो ऑलिगो चीट्स लैग द वेल डिवेलप्ड आइस इनमें आइस वगैरह जो है वो वेल well डिवेलप्ड नहीं है और सिंपल इनमें ओसिलाई स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है uh, सिर्फ लाइट को सेंस करने के लिए ये पिगमेंट कंटेनिंग कप शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं ओसिलाई ठीक है तो यही इनमें सेंसेशन के लिए प्रेजेंट हैं और ये क्या करते हैं जी कि नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो करेंगे इन स्ट्रॉन्ग लाइट एंड पॉजिटिव फोटोटैक्सिस इन वीक लाइट जब लाइट कम होगी तो पॉजिटिवली उसकी तरफ मूव करेंगे जब लाइट ज्यादा होगी तो नेगेटिवली यानी अवे फ्रॉम द लाइट मूव करेंगे ठीक है रिसेप्टर्स हैं इनमें केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलस के लिए उसको डिटेक्ट करने के लिए पूरी बॉडी की सर्फेस के ऊपर इंक्लूडिंग द प्रोस्टोमियम ये येड हुए हैं नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन के लिए इनमें मेटानेफीडिया है ठीक है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ओपनिंग्स होगी एज यू कैन सी हियर इन वन सेगमेंट अ पेयर ऑफ मेटानेफीडिया इज प्रेजेंट

कि ये यूरिया फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं सिंपली ये प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करते हैं जो काम हमारी बॉडी में लिवर परफॉर्म कर रहा है नो दैट लिवर इज गोइंग टू मेटाबोलाइज द प्रोटीन और इसमें जितने भी प्रोटीन से रिलीज होगा अमोनिया उसको फिर कन्वर्ट करेगा यूरिया में इनकी बॉडी में ये काम सेम काम जो है वो लिवर की बजाय क्योंकि लिवर इनके पास नहीं है सो दे आर देर है क्लोरागन टिश्यू ये टिश्यू जो है वो यूरिया फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है ठीक है एंड सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन हमारा लिवर ये काम कर रहा होता है अगेन ये वाला फंक्शन भी जो है लिवर का वो यहाँ पे क्लोरागोगन टिश्यू ही परफॉर्म कर रहा है ठीक है नाउ द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इनमें जो है वो ये मोनो एशियस है ठीक है विद इन सेम बॉडी इनमें टेस्टिस और स्पॉम्स प्रेजेंट है एज यू कैन सी विद इन द सेम बॉडी यहाँ पे टेस्टिस भी प्रेजेंट है और यहाँ पे ओवरीज भी प्रेजेंट है ठीक है तो वन और टू पेयर ऑफ टेस्टिस हैं इनके पास और वन पेयर ऑफ ओवरीज हैं ठीक है एंड uh, अब टेस्टिस के साथ जो है ना वो थ्री पेयर्स होते हैं सेमिनल के एज यू कैन सी इनका काम होता है स्पॉम्स को स्टोर करना अंटिल गोइंग टू गेट मेच्योर फिर सेमिनल रिसेप्टेकल सेमिनल रिसेप्टेकल का काम होता है स्पर्म्स को रिसीव uh, करना सेमिनल रिसेप्टेकल स्प को रिसीव करते हैं फ्रॉम द अदर ऑपोजिट मेंबर ओके कॉपुलेशन जो है वो इनकी टू टू तो थ्री आवर्स तक रहती हैं और जिसमें ये रिसीव करते हैं और स्पॉम्स को ठीक है फर्टिलाइजेशन होगी फिर कॉपुलेशन के बाद जो है वो सिली टेलम बना देता है एक्स के अराउंड एक्स को डिपॉजिट कर दिया जाता है मॉइस्ट सॉइल में और फिर उनसे यंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वर्म्स हैं वो रिलीज आउट हो जाएंगे

फिर इनमें ईच सेगमेंट जो है वो फर्दर उसको फर्दर सब डिवाइड किया हुआ होता है फर्दर उसकी सब डिविजन है रिंग्स में इन रिंग्स को एक्सटर्नली इनको हम ऑब्जर्व करते हैं ये एन्य कहलाती है ठीक है फिर इनमें पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सकर्स प्रेजेंट होते हैं इन सकर्स की हेल्प से ये अपनी होस्ट की बॉडी से अटैच होते हैं देन सिटी रिड्यूस्ड है बिल्कुल एब्सेंट है इनके अंदर ठीक है नाउ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लीच इनमें पैरापोडिया नहीं है ठीक है एंड हेड अपेंडिजिस भी नहीं है सी टी बी एबसेंट है ठीक है ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स है ना अब इनको आ, डिटेल अब इनकी हमें जो है वो ऑलरेडी पता है बॉडी प्लान इन सब एनिडेट्स का सेम है यहाँ पे जो आपको चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखनी है वो ये यह कि यहाँ पे लीच में और पॉलीचीट एंड ओलिगोचीट्स में क्या डिफरेंस होता है नरीस अर्थकॉम और लीच इन तीनों के बॉडी जो प्लान है बेसिक उनमें क्या क्या चीजें डिफरेंट हैं ठीक है तो इनमें पैरापोडिया नहीं है नहीं है टेपर्ड है थर्टी फोर सेगमेंट है और हर सेगमेंट को फर्दर डिवाइड किया हुआ, here, surface, uh, से हमें फिजिकली एन्यूलाई छोटी रिंग्स नजर आ रही हैं जिनको हम कहते हैं फिर इनमें एंटीरियर और पोस्टीरियर सक्कर है, है और पोस्टीरियर सक्कर है इनकी हेल्प से ये अपने होस्ट की बॉडी से अटैच होंगे ठीक है

क्रिएट होंगी मसल्स की हेल्प से लौंगी और सर्कुलर मसल्स फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये प्रीडेटरी प्रीडेटरी हैं हैं इनको एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी कहा जाता है जो बॉडी लिविंग थिंग्स है ना लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमंस तो ये ह्यूमन की बॉडी फ्लूड्स के ऊपर भी फीडिंग करती है तो इनको प्रीडेटर्स कहा जाता है ठीक है फिर हमारे पास इनमें जो है वो माउथ बॉडी की जो मिडिल पोजिशन uh, है वहां से अराइज होता है ठीक है माउथ बॉडी की जो मिडिल पोजिशन है वहां से अराइज होता है इनमें क्या होता है प्रोट्रोजेबल प्रोबोसिस प्रेजेंट है यहाँ से प्रोबोसिस बाहर की तरफ एक्सटेंड आउट होगा एंड इनमें थ्री काइटिनस जॉस भी प्रेजेंट होते हैं ओके लीच जो है वो क्या करती है ब्रेक बॉडी से अपने आप को अटैच कर लेती है और फिर अपना जो इंटीरियर शक्कर है उससे उसकी हेल्प से ये अटैच करेगी प्रोबोसिस को बाहर निकालेगी उसकी स्किन को पंक्चर करेगी और फिर बॉडी फ्लूड्स के ऊपर सकिंग करेगी और जब ये सकिंग कर रही होती है अपनी होस्ट की बॉडी फ्लूड्स के ऊपर तो लीच जो है वो एक केमिकल रिलीज कर देती है उनकी बॉडी में दैट इज नॉन एज द हेरोडिन इट इज एन एंटी कोएगुलेंट यानी ये प्रिवेंट एंटी मींस अगेंस्ट कोएगुलेंट ये कोएगुलेशन ही होने देता ये जमने नहीं देता है ब्लड को ठीक है सो so, ब्लड की फिर क्लॉटिंग नहीं होती और द लीफ द वाउंड ब्लीडिंग ओके जो खून है उस बाउंड में से बहता ही रहेगा ओके माउथ इज अ अ मस्कुलर फेरिंग्स बिहाइंड द माउथ इज फेरिंग्स फिर एसोफेगस है एंड देन एसोफेगस इज लीडिंग टू द स्टमक एंड देन सीकी और फिर इंटेस्टाइन एंड एनस तो ये कंप्लीट इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ऑलरेडी सेम प्लान है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एनिडेट्स का गैस एक्सचेंज एंड सर्कुलेशन की बात की जाए तो इनमें सिर्फ जनरल सरफेस जो बॉडी है वहीं से ही गैस एक्सचेंज होता है ठीक है और फिर इनमें जो है वो लीचिस में सर्कुलेटरी सिस्टम हाईली मॉडिफाइड है सिलोमिक साइनसिस जो है नहीं, जो कैविटीज हैं उनकी जगह कौन ले लेता है ब्लड वेसल्स क्योंकि इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ठीक है हैटरी तो इन पिगमेंट इनमें एबसेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलीचीड्स से जिसको हम कंपेयर करें पॉलीचीट्स आर हैविंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स बट लीचीज आर हैविंग नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट नर्वस और सेंसरी फंक्शंस की बात करें तो इनमें भी अगेन वेंटर नर्व कॉर्ड्स हैं बट गेंगलिया नहीं है ठीक है सुप्रा फल एंड सब फेरेंजियल गैंगलिया एंड फेरेंजियल कनेक्टिव इन टू नर्व रिंग यानी इनमें गैंगलिया नहीं है जो गैंगलिया हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं बाकी क्लासेस में इनमें वो नहीं है और इनमें ये सब गैंगलिया फ्यूज होकर एक नर्व रिंग बना देते हैं ठीक है देन इनमें जो है वो फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर डिटेक्टिंग लाइट और लीचीज नेगेटिव फोटोटेक्टिक है लेकिन जब फूड यानी जो है वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है अपने आप को बट वेन आर सर्चिंग फूड तो फिर ये पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक बन जाती हैं यानी इन सर्च ऑफ फूड ये लाइट को भी जो है वो प्रेफर करेंगी ठीक है डिटेक्ट करेंगी एंड देन एक मेडिसिनल लीच है इट हैज अ वेल डेवलप्ड टेम्परेचर सेंस ज्यादातर ये जो ह्यूमंस हैं ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है थर्टी सेवन होता है सो दे प्रेफर दर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मीनस ये रेंज को प्रेफर करती हैं ठीक है थर्टी सेवन के अराउंड जो रेंज होती है टेम्परेचर की इसको प्रेफर करती हैं एक्सक्रीशन की बात की जाए तो इनमें टेन टू सेवनटीन पेयर ऑफ मेटानेफिडिया प्रेजेंट हैं ठीक है, है? पूरी बॉडी में टेन टू सेवनटीन पेयर है मेटानेफिडिया के और वन मेटानेफिडिया पर सेगमेंट इनमें प्रेजेंट है फ्लोरागोगन टिश्यू भी प्रेजेंट है इनमें ठीक है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये सेक्सुअली uh, जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं मोनो हैं ओके एंड सिंगल पेयर ऑफ ऑवरी एंड फोर टू मैनी टेस्टीज एज यू कैन सी हेयर इनमें जो है वो सिंगल पेयर ऑफ ऑवरी प्रेजेंट है the green one, और ये इसका गोनोपोर है फॉर रिलीजिंग द एक्स और फिर ये हमारे पास जो है वो फोर टू मैनी टेस्टीज है दीज राउंड सर्कल्स और फिर इनका गोनोपोर है मेल गोनोपोर जिनसे जो है वो स्प एग्जिट करेंगे बॉडी को चलिए टेलम इनमें प्रेजेंट होता है ठीक है और सिलिटेलम सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही प्रेजेंट होगा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका कि जो लीचीज हैं इनमें सिलिटेलम सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही प्रेजेंट होता है ठीक है ओके okay. देन uh, कुछ लीचिस जो हैं वो पेनिस के थ्रू स्पर्म्स को ट्रांसफर कर देती हैं और कुछ स्पर्मेटोफोर्स यानी ये स्पर्म स्टोरिंग कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको बॉडी से बाहर ये रिलीज करती हैं बॉडी वॉल्स से बाहर रिलीज करती हैं ठीक है और फिर वो जो है वो अदर मेंबर की बॉडी वॉल से ही पेनिट्रेट करके उसको फर्टिलाइज कर रहे होते हैं नो लार्वल स्टेजेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें किसी किस्म की कोई लार्वल स्टेज एग्जिस्ट नहीं करती है ओके okay? Now we have done with the general characteristics, classification, form, and function. Now uh, we are going to discuss about some important questions. So, okay, up next uh, exams. Hain. So the first one is a distinctive feature of the member of the class polychet is parapodium. Number two, the girdle like structure that is used for the mucus secretion during copulation and cocoon formation is Ciretalum. Number three excretory structure consisting of open ciliated funnel and tubule that opens through the body wall is known as metanephridia number 4 this is the member of the class polychaete Aranicola. number 5 mouth in annelids is present on peristomium that is the first segment okay now number 6 hirudin of leach performs the function of anticoagulant

Number 11, the specialization of the body regions in a segmental animal is known as the tagmatization. Number 12, annuli is the character of leech. Number 13, a role of typhlosol in the intestine of earthworm is to increase the absorptive surface. Number 14, the gizzard of earthworm is an organ of crushing the food. Number 15, metamerism is present in.

number 19 animals having characteristics like no head no parapodia no larva direct development and are terrestrial so the group is oligo -cheat, which includes the earthworm, okay now which part in the polychaetes possess eyes tentacles and sensory parts so these are prostomium hipella structure has is may isari sensory structures present नाउ वी आर मूविंग टूवर्स पी पी एस सी जोलॉजी पास पेपर क्वेश्चन हम टू थाउजेंड वन से लेकर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक अब तक जितने भी जोलॉजी के पी पी एस सी के थ्रू पेपर कंडक्ट किए गए हैं उनमें पायलम एनिलीडर से जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे सो द फर्स्ट वन इज वॉट इज मैथामेटिकली सेगमेंटेड इन एनिट्स ओके सो ये क्वेश्चन जो है वो टू थाउजेंड वन में पूछा गया था नंबर टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थ फॉर्म आर उजेंड so, टू uh, के पीपीएससी जोलॉजी पेपर में पूछा गया था नंबर थ्री अर्थ फॉर्म आर डेड फ्रॉम दस क्वेश्चन फोर द अरेजमेंट ऑफ द ऑर्गन इन एनिमल इन सिमिलर यूनिट अलंग दूडन ऑफ बॉडीज नोन एज दिजम ये क्वेश्चन जो है वो टू में पूछा गया था Number five in polychaetes, the locomotory organ is uh, the parapodium. This question has been taken from 2009. Number six, closed type of circulatory system is first observed in uh, the annelids, and this question has been taken from 2009. Number seven, true metameric segmentation is the characteristic of true metameric segmentation is the characteristic of the both B and C. यानी हमारे पास मोलस्क में भी और आर्थ्रोपोड्स में भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन एग्जिस्ट करती है तो ये क्वेश्चन है वो 2010 के पेपर से लिया गया है नंबर एट नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन लीच आर 34 सेगमेंट्स इस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन पीपीएस जोलॉजी पेपर 2017 एंड देन नंबर नाइन इज द पोलीचीट्स हैव हाई पावर ऑफ द रीजनरेशन And this question has been asked in the PPSC Zoology paper 2017. So students and candidates, we have done with all the three uh, parts, the general characteristics, the classification, form and function, as well as some important and some past paper questions. Okay. एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पोटेंट फॉर द स्टूडेंट जो अभी अभी इंटर किया है एफ एस सी की है एंड दे वॉन्ट टू सिक्योर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज ओके फॉर द एम बी बी एस फॉर द बी डी एस फॉर फार्मेसी फॉर डी पी टी और फॉर ए एफ एन एस फॉर नर्म्स एम डी कैर टेस्ट किसी भी तरह का टेस्ट अगर वो तैयार करना चाहते हैं और उसके लिए फाइलम एनी को प्रिपेयर करना चाहते हैं सो दे जस्ट नीड टू हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो ओके इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर दिए गए हैं एंड फॉर द कैंडिडेट्स जो कि अप्लाई करना चाहते हैं फॉर गेटिंग और फॉर सिक्योरिंग गवर्नमेंट जॉब तो uh, उसमें जोलॉजी बॉटनी के लिए ठीक है जोलॉजी बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली इसमें जो फाइलम एनी लीडा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पे कवर किया गया है ओके okay? So, inshallah, it would be very helpful for all of you guys. Um, for the next time, we'll come up with the next video. Until then, Allah is.